हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नीलम रावत मिनी ब्लॉग में। दोस्तों ये ब्लॉग है संडे का। यहाँ पर हमारा अमेजोन से पार्सल आ गया था। मैंने मंगाया था डोसा तवा, तो वो आ गया था जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। यहाँ पर अंशु सबसे ज़्यादा एक्साइट रहता है। कोई भी पार्सल आता है घर में तो मंगाती हूँ मैं, तो अंशु सबसे ज़्यादा ओपन करने के लिए उसको एक्साइट रहता है। यहाँ पर अंशु ने ओपन कर लिया था, उसके बाद उसने फटाफट से नट लगा दिए थे। उसके बाद हम चले गए थे हाट में सब्जी लेने के लिए जो IPL में लगता है, तो वहाँ चले गए थे हम। 4 किलो 2 किलो अमरूद मैंने ले ली थी यहाँ पर हरी सब्जी। ढेर सारी हरी सब्जी लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पर ले लिए थे बीज वाले आलू। थोड़ा गमले में लगाऊंगी तो बीज वाले आलू ले लिए थे। फिर मैंने हरा प्याज ले लिया था, हरा प्याज का पौध ले लिया था गमले में लगाने के लिए। उसके बाद आ गए थे हम घर। उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं करा। यहाँ पर मैं वहाँ से एक प्लांट भी ले आई थी, फ्लावर का प्लांट लगाने के लिए गमले में। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सारी सब्जी ओपन कर ली थी। यहाँ पर देख सकते हो मैं हरी सब्जी लाई थी, ढेर सारी हरी सब्जी, राई, पालक, बिथुआ और हरा धनिया। यहाँ पर मैं आलू भी ले आई थी और मेथी भी ले आई थी, हरी मेथी मैं परांठे बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने जलेबी भी ले आई थी, जलेबी मैंने ओपन कर लिया था। सामने मैंने गैस पर चाय भी चढ़ा ली थी, जलेबी के साथ तो चाय अच्छी लगती है। चाय भी मैंने बना ली थी क्योंकि ठंड भी लग गई थी, हमें बहुत देर भी हो गई थी वहाँ से आते आते। तो यहाँ पर मैंने चाय भी बनाने रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मैं खजूर भी लाई थी वहाँ से आधा किलो। यहाँ पर मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई थी। फिर मैंने सभी को जलेबी दे दिया था, फिर मैंने भी खा लिया था। यहाँ पर मैंने हरी सब्जी धो के रख दिया था, रात को धो के रख दिया था। सुबह बनाऊँगी मैं हरी सब्जी और रात को मैंने बना लिया था बिथुआ की सब्ज़ी। यहाँ पर देख सकते हो मैंने आधा बिथुआ बना लिया था, आधा मैंने बचा के रखा, सुबह बनाऊँगी मैं नाश्ते में बिथुआ की सब्ज़ी और राई की सब्ज़ी।